एक एतराज़ किया जाता है कि हज़रत मसीह मौऊद ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में दफन होना था, मगर मिर्ज़ा साहेब तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में दफन नहीं हुए, तो इसका हम क्या जवाब दें? जी मोमिन साहब, आपसे हम गुजारिश करेंगे इनके सवाल का जवाब दें। सब इसके जवाब में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कोई भी साहिब अकल और होशमंद इंसान इस हदीस के अल्फाज को अपने ज़ाहरी मानों पर महमूल नहीं कर सकता, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा शकीउल कल्ब मुसलमान होगा जो ये गवारा करेगा कि मसीह की तदफीन के लिए गोया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को चाक किया जाए और फिर उसमें उसकी तदफीन की जाए। दूसरा, हमें इस बात को इस पहलू से भी सोचना चाहिए कि अगर हम इसी बात को मियार सदाकत माने कि मसीह ने या मसीह मौऊद ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में ही दफन होना है, तो आया जब वो मसीह आएगा तो उसके आने के बाद उसकी सदाकत, उसकी वफ़ात, बल्कि वफ़ात के बाद तदफीन तक एक मुश्तबे अमर बनी रही कि अभी वो चूँकि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में नहीं दफनाया गया इसलिए हम उसका इनकार कर देते हैं। या इस पहलू से देख लीजिए कि आज अगर हमारे भाइयों के अकीदे के मुताबिक वाक़ेतन आसमान से दो फरिश्तों के कानों पर हाथ रखे हुए और दो जर्द चादरें पहने हुए किसी मीनारे पर एक मसीह नाजिल हो जाए और वो अपने दूसरे तमाम जिम्मेदारियां जो हदीस में बयान हुई हैं उनको भी बैन ही वैसे ही पूरा कर दे, तो गोया सिर्फ इस एक अमर की वजह से उसकी सदाकत एक मुश्तबे अमर बन जाएगी और लोग उसका इनकार कर देंगे कि वो अपनी वफात के बाद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में नऊज़बिल्लाह दफन नहीं हुआ इसलिए हम उसका इनकार कर देते हैं। तो गोया इतने सारे मौजूदात का इनकार सिर्फ इस एक वजह पर, ये एक ऐसी बात है जिसका मानना तो पूरी नहीं, जब वफात पाएगा जी, तो उससे पहले उम्र भर ये नहीं कि उसके ऊपर कोई ईमान नहीं लेके आएगा, उस पर कोई ईमान लाएगा ही नहीं, उसको दफन कौन होने देगा रसूलल्लाह की कब्र में? तो असल में इस हदीस का मतलब सिर्फ यही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस आने वाले मसीह का इश्क मुझसे ऐसा कामिल और मुकम्मल होगा कि गोया उसकी वफात के बाद भी वो मुझसे जुदा या दूसरा वजूद तसव्वुर नहीं होगा, बल्कि उसको उसकी वफात के बाद भी अपने आका और मुता हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा नहीं समझ आएगा, वो आप ही की रूहानी कब्र में गोया मदफून होंगे। और हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक शेर भी है कि सात खुलों में निश्की बे रौज़त कब्रे ही वमा तालमु हाज़ा सिर्रा या तारिकल हुदा, कि मैं अपने इश्क की वजह से उसी पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में ही दफन होऊंगा, और लेकिन ऐ तारिके हुदा, ऐ हदायत को छोड़ने वाले शख्स, वो अभी इस भेद को समझता नहीं। वह ये एक भेद है, इसको समझने की ज़रूरत है, ज़ाहिर पे महमूल करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया।